हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, अभी इंडिया में जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, वो लोग डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं जा पा रहे हैं, वाया होकर ही सऊदी अरब जा रहे हैं, वाया दुबई होकर या वाया नेपाल होकर सऊदी अरब जा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट सऊदी अरब जाने का इंतजार कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट खुलेगी, उनको डायरेक्ट ट्रेवल करने के लिए परमिशन मिलेगी, तब वो जाएंगे। अभी वो लोग वाया होकर नहीं जा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए दोस्तों कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोरोना को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत डराने वाली हैं और बहुत चौंकाने वाली भी हैं। क्योंकि अभी कुछ देशों में लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। आपने चीन का सुना होगा कि चीन के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन लग चुका है, फ्लाइटें सस्पेंड की जा रही हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रूस में भी 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, 11 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस में 40,096 नए कोरोना के केस पाए गए हैं और 1,159 लोगों की मौत हुई है। अगर इंडिया की दोस्तों बात करें तो इंडिया में पिछले 24 घंटे में 16,156 नए केस पाए गए हैं, 733 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,60,989 एक्टिव केस है अभी भी इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों इंडिया, यूके, इजराइल सहित 33 देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट AY.4.2 पाया गया और भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये वेरिएंट पाया गया है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो है AY.4.2 पाया गया है, जो बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के ही बिरादरी का है। तो बहरहाल दोस्तों ये सारी खबरें कहीं ना कहीं पर चिंता बढ़ाती हैं। इस लिहाज से दोस्तों देखें तो इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर अभी भी संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो खबरें आ रही हैं लगातार, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन लग रहा है, उससे दोस्तों आपका इंतजार करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास आज की तारीख में विकल्प उपलब्ध हैं, रास्ते खुले हुए हैं, आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं वाया दुबई होकर, वाया नेपाल होकर, वाया ओमान होकर, तो आप कहीं से भी 14 दिन स्टे होकर फिर सऊदी अरब जा सकते हैं। इंतजार करना आपके लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं और विशेषज्ञ भी इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उस लिहाज से दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइटें फिर बंद होने का सिलसिला शुरू हो जाए और अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार करते ही रह जाएं। तो आपके सामने दोस्तों विकल्प उपलब्ध है, रास्ते खुले हुए हैं, तो आप सऊदी अरब, अभी आपके पास समय सऊदी अरब जा सकते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा को जो बढ़ाया वो 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा इकामा भी एक्सटेंड किया हुआ है 30 नवंबर तक, आगे एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों आपके पास विकल्प है, आपके पास रास्ते उपलब्ध हैं, आप सऊदी अरब अभी जा सकते हैं वाया दुबई से होकर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आसानी के साथ दुबई से ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप भी बहुत लंबा दोस्तों इंतजार ना करें, क्योंकि फ्लाइट को लेकर अभी भी बहुत अनिश्चितता है। सऊदी गवर्नमेंट कब फ्लाइट ओपन करेगी, कब परमिशन देगी, इसको कहना बहुत ही मुश्किल है।